हाँ जी, तो माशाल्लाह मैं नाश्ता बना लिया है गाय, और मैं बच्चे ना नाश्ता करवाती थी। नाश्ता बना लग पी है, लेकिन ना कल तो बड़ा ही मुश्किल रहा सारा दिन। माशाल्लाह जी, आप बच्चा नाश्ता करवाने गए? हाँ जी, माशाल्लाह बच्चा रक्षा आ गया है, और इन्होंने मैं स्कूल भेज के आनी। चलो भाई, ये आज लेट क्यों आए ने? लेट आज बड़ी, काफी सारे रक्षे टप गए हैं, तो तुसी एंड ते आए ने। चलो बच जाओ। हाँ जी, तो माशाल्लाह मैं बच्चों भेज के ना, तो मैं ला ली गई मशीन, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए कपड़े नहीं धोते है, तो कपड़े जड़े ना काफ़ी सारे है सितौन वाले, तो मैं चलो धो लें अज कपड़े, कल लानी है। कल बिजली नहीं हैगी सी, सुबह सुबह पत्ती चले गई सी, तो हूँ जड़ा है ना, मैं चलो अभी मशीन लाने है, ला के तो बच्चों के कपड़े वगैरह है वो भी धो लें सारे ना, तो कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा है। हाँ देखो, बाकी बर्तन वगैरह भी फायदा है कि मैं मशीन नाल लाई हैगी है, नाल बर्तन वगैरह इकट्ठे करके धोंदी पै गई बच्ची, तो मैं कहा चलो नाल मैं ना मशीन ला के आस्ते आस्ते कपड़े धो। हाँ जी, तो माशाल्लाह जी अज काम बड़ा ख़राब होया है, क्योंकि अज जड़ा ना सुबह सुबह मशीन तो बड़े मैं टाइम ना ला ली सी, लेकिन ना बत्ती जाने की वजह तो काफ़ी लेट आई है बत्ती, तकरीबन 2-3 घंटे बत्ती बंद रही हैगी है, और आ इन्ने के कपड़े मैं धो ले गए, और एक पूर बेच पाया होगा, फिर एक पूरा ले रखे होगा मैं, और चादर वगैरह भी मैं धोनिया सी गर्म, क्योंकि वो मिट्टी गट्टे दे वेच ना खराब हुई हुई सी इस वास्ते, तो लेकिन यह बत्ती हूँ आई तो बत्ती घट भी बड़ी हैगी है, तो हूँ आस्ते आस्ते मसा कपड़े ही धोपने है, ये कपड़े धो लेनी है, तो चादर वगैरह जो बत्ती सुबह फुल हुई तो फिर धो लवानगी, लेकिन यह भी हूँ चलो कपड़े बच्चों के धोप जाएंगे सारे, अल्लाह पाक खैर करेगा जी। बत्ती आई बहुत लेट आ, मैं तो अपने लो बड़ी कोशिश ना टाइम ना मशीन ला ली सी, कि चलो बंदा जल्दी थोड़ा जाना कपड़े धो लेंगे, मेहमान भी आ गए, दोनों दोनों को भी बहना पै गया, और अज सुबह का ना बत्ती ने बहुत सानू खपाया हुआ सी, बत्ती भी हूँ आई हैगी, और बाजी भी आ गए सी 2 मिनट उन्होंने को बह गए, और पहला इन्होंने आने तो पहला 2 जने होर आए गए सी, काफ़ी टाइम उन्होंने को लग गया, फिर परोए आ गए, फिर इन्होंने को 10 मिनट बहने पै गए, क्योंकि कोई बैंड भी अच्छ दो आता ना चाहत ना आता है, कोई एवं नहीं किसी के गल कोई आता, तो इस वास्ते मैं चलो जी बाजी और आए हैं 2 मिनट तक पाया जी, बाकी मशीन का काम तो चलता ही पिया है, क्योंकि मशीन से आस्ते आस्ते कपड़े दुबते पे गए, तो अल्लाह पाक जी खैर करे, और अल्लाह पाक जी इन्होंने भी, इन्हों का भी चैनल हैगा है, तो इन्होंने भी अपना चैनल बनाया होगा, अल्लाह पाक जी इन्होंने भी कामयाबी दे, अल्लाह पाक इन्होंने खुश रखे जी, तो हर कोई मेहनत मजदूरी लगे हुए अपनी, तो अल्लाह ताला जी इन्होंने भी बहुत ज़्यादा कामयाबी दे, जिम्मे अल्लाह ताला ने सानू दी है उस तरीके, अल्लाह ताला जी इन्होंने भी कामयाब करे। हाँ जी, तो माशाल्लाह इस वास्ते ना बाजी रख 2 मिनट रहना पै गया है, तो ये आए गए ना शहर जिते अस कल गए ना शहर, ये उतू आए गए ना रक्षे के उत्ते आए गए ना, तो अल्लाह पाक जी इन्होंने जिंदगी करे, और इन्होंने लाइक सबसक्राइब किया करो, और वीडियो इन्होंने एंड तक वेखी करो जी, बहुत शुक्रिया है तुहाडी हैल्प नाल, अल्लाह पाक इन्हां नूं भी कामयाब करेगा, जिस तरीके के तुसीं सानूं हैल्प करदे हो या साडी हैल्प दे नाल कामयाब साडा चैनल होया, अल्लाह पाक जी इन्हां दा भी चैनल कामयाब करे, और अल्लाह पाक। हाँ जी, ते माशाल्लाह कपड़े मेरे धो गए हैं सारे, आखिरी पूर हैगा सी जिहड़ा मैं कढ लिया हैगा, और अज ना बत्ती जाण दी वजह तों ना काफ़ी टाइम लग गया हैगा, इस वास्ते लेकिन यह भी चलो बत्ती आ गई सी, चलो दोस्त गए ना सारे, तो बाकी ना गर्म चादर वगैरह है, तो वो मेरा इरादा है कि अज जरा ना बत्ती जाने की वजह से काफ़ी अगे लग गया है, वो इंशाल्लाह ना सुबह चादर चुदर धो लवानगी, अज सिर्फ ना कल कपड़े धोते, क्योंकि काफ़ी सारे मैं सारे कट्ठे करके धो के रखे हुए हैं, और फिर ना एक बार जावे आ गई है पहला उत्ते जाके उत्ते लेंदे है ना, तो फिर आस्ता आस्ता मैं चलो सुपने पा लें, क्योंकि बार बार मेरे को छत तो नहीं आया जाता, इस वास्ते मैं चलो ना कट्ठे एक बार धो के फिर ला जानी है, सुकन से तो कोई नहीं देर लगनी, क्योंकि जो धुप है ना
काफी तेज हैगी है। सारे मैं टापे चते बठले चते पाग लाग दे माशाल्लाह जी कपड़े हैगे सी काफी सारे ते आज मैं मलिया मुनिया ते पा दिते हैगे ने कुछ ते कबूतरा ने जी आज पानी मैं फिर होना के पाया हैगा ते देख लो हुण पींदे पे हैगे ने गर्मी हैगी सी ते ओ बच्चे उत्ते सुक जांदा ना पानी ते इस वजह तो हुण फिर पाया हैगा ते पींदे पे सारे और कपड़े ना आज काफी ज्यादा हैगे सी सारे दीवारा ते लकड़ा दे उत्ते सारे मैं पा दिते हैगे ते और बाहर चली थल्ले ते जाके जी भुख लग गई हैगी कुछ खाण पकाण दा ही सोचने हैगे आ फादमारी भी पढ़न तो नहीं गई है आज ते आज दूसरा छुट्टी हैगी क्योंकि इन्हें बाजी अच घर नहीं हैगी क्लास में जान दी है छुट्टी नहीं करन दी आज वो आ कि गई है महफल ते इस वास्ते इन्होंने छुट्टी की हैगी अज तो चलो ना ये भी चलो हम कोई मर जुड़ी है ना आटा लगन लगेगी और मैं सारा बना लेंगी है हाँ जी तो माशाल्लाह सब्जी बना के मैं रख ली हैगी है सालन आलू मटर गाजर और भी नाल आटा भी कड़े है आटा गौन लेने है और माशाल्लाह जी बच्चे घर बह के पढ़ते पे है तो मारिया नु काम मिले है सी तो वह घर ही बह के पढ़ती पेगी और नाल जी आटा गुनने है आटा गुन के फिर पकाने नाल रोटियां तो अल्लाह पाक जी खैर करेगा जी आज जी कुछ तबीयत ठीक हैगी सी तो माशाल्लाह काफ़ी काम में कर लिया है बंदा ठीक होवे ना तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है तो ना ठीक होवे तो फिर तो बंदा बस अपनी जान में मसा ले रखता है तो अल्लाह पाक का शुक्र हैगा है अज बेहतर हैगी सी तो मैं काम वाहवा किया है तो इंशाल्लाह सुबह होर बेहतर हो जावे तो कि बार अच्छी जगह तो जाकर वीडियो बनावे तो अच्छा जहाँ व्लॉग बनावे बार कोई अच्छी वीडियो जाके जगह पर जाके सालन भी साढ़ा तैयार होता पे है और आटा में ना गोल के रख लिया है और माशाल्लाह जी शाम भी हो गई हैगी है तो बच्चे भी माशाल्लाह पढ़ पुढ़ के वेले हो गए है इस टाइम से बिल्कुल वेले हो जाए और सेक जरा है ना इस टाइम बड़ा ज्यादा इतने हो जाता क्योंकि जो चूल्हा चलता ना फिर इतने बैठा नहीं जाता तकरीबन रात में 10-11 बजे तो बाद तैयार हाँ जी तो ना असी ना रात में दुआ नौ 10 बजे ना बाद इतने ना सुकून हो जाता है ते बच्चे बीमार होने का करके ना उपर भी नहीं सोईदा है घर अंदर सुता नहीं जाता क्योंकि सेक बड़ा होता है असं कभी इतने सोईदा है इस वक्त जी अल्लाह पाक खैर करेगा जी और अज जी सारा दिन माशाल्लाह जी मेहमान भी काफ़ी आए है सी कोई आ रहा है तो कुछ आ रहा अज सुबह सुबह ही ना कां बड़ा बोलता पे सी मेहमान काफ़ी आए गए तो हूँ भी 2-3 जने आए गए सी पानी वगैरह पियाया है तो पी के चले गए हैं तो रब की रहमत होंगी है लेकिन असी कभी बुरा मैं नहीं खास करके महसूस किया है कि हाँ जी क्यों आए ये वो जो भी है ना अल्लाह ताला अपनी किस्मत लैके आते हैं और अल्लाह ताला किस्मत पहला लेके छड़ता है मेहमान की तो माशाल्लाह जिन्ना सारा दिन के काफ़ी सारे मेहमान इतों के सारे कोई भी भैन भी राह जड़े ना सज्जन सुजन वो सारे अच्छे आए गए तो कोई भैन भाई वीडियो के मगर भी ज़्यादा आते हैं कि वीडियो बनाओ तो कोई वीडियो तो बगैर जड़े है वो भी काफ़ी सारे आ जाते हैं जी किसी ने खुश होकर बोलीए कोई पानी का भुखा नहीं होता किसी ने कोई खुश होकर बोलीए ना तो कोई इज्जत के मगर आता है इस वास्ते तो अल्लाह पाक की खैर करे तो अल्लाह पाक जी सब के घर मेहमान की रहमत होंगी अल्लाह पाक सब के घर च आवे तो आने चाहिए है तो खुश होया करो जी मेहमान जो आना घर जरूर खुश होया करो रब भी खुश होता है तो इस वास्ते जी मैं तो बहुत खुश होंगी हाँ जो ज़्यादा मेहमान आते हैं तो शुक्र अलहमदुल्ला कि अल्लाह ताला ने सानू इन्ने काबिल समझे है तो साढ़े घर कोई मेहमान आता है शुक्र है लाख वारी असं तो करने है और जी माशाल्लाह सपारा पढ़ के बच्चिया भी वेलियाँ हो गई है और माशाल्लाह जी स्कूल का काम भी घर ही लिखे है इन्होंने भी हाँ जी तो बहुत शुक्रिया है सब भैन भाइयों का जिन्होंने सानू कमेंट किए और एक सिस्टर ने सानू कमेंट किया कि बाजी इतने ना बर्तना पतीलियाँ जड़ी आदि ना वो ना मांझा कर भी उस स्लैब जी है ना खराब हो जाएगी इस वास्ते तो बहुत मेहरबानी बाजी उन्हों का भी क्योंकि जिन्होंने सानू मशवरा दिता है लेकिन सानू नहीं पता सी तो इंशाल्लाह ताला असी ना वो छोटे छोटे पीस इतों मिलते हैं तौलिए
ਉਹ ਕਪੜਾ ਸਲੈਬਾ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਵਾਂਗੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂਜਿਆ ਕਰਾਂਗੀ ਪਤੀਲੀਆਂ ਔਰ ਜੀ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਟੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾਇਆ ਵਾਂਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਜੀ ਔਰ ਜੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਭ ਬਹਿਣਾ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਔਰ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ ਔਰ ਹਰ ਘਰ ਸਭ ਬਹਿਣਾ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਸਾਨ ਕਰੇ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੇਖੀ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸੁਬਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਵਿਲਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਲਾਗ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਲਾਗ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।